परिचय लिखा हुआ, इसको कैसे पढ़ेगा? ये बच्चे कोई पढ़ने के लिए नहीं है, उसको अभिव्यक्ति के लिए है। आप उसको बताइए कि ये लिखा हुआ है उंगली चलाते हुए, है ना? और बच्चे भी बहुत आनंदित होते हैं, पढ़ते भी बनता है। मैं जब चौथी पढ़ रहा था, मेरे पिताजी इंग्लिश से एमए कर रहे थे, तो मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता था, तो मैं किताब लेकर के, मुझे अच्छी तरह याद है, किताब लेकर के मैं पीछे जाकर के घर के करता था। मैं अपनी यादव स्वयं बता रहा हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। दादी मेरी खुशी होती थी कि इंग्लिश बच्चा पढ़ रहा है, और मैं तो उस शौक को पूरा कर रहा था जब उनको पढ़ते हुए देखता था। तो बच्चे भी क्या होते हैं कि जैसे कविता उनको जब याद हो जाती है ना, अभी पढ़ना नहीं आते हैं, तब भी ऐसे उंगली चलाएंगे जैसे पढ़ रहे हो, वहीं वहीं पर। अभी एक बीच का यदि आप शब्द पूछेंगे क्या लिखा हो तो नहीं बताएंगे, लेकिन उसी क्रम से वो उंगली चलाएंगे। ये उनके अभ्यास के लिए है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये आ गया, इसको गवाने के लिए है ना, उसको सुनाए। देखिए क्या है साथियों, कुछ परिवर्तन तो हुआ है हमारी विद्यालय में वर्तमान। जब हम लोग पढ़ते थे तो बताइए उस समय जी जी आई मिठाई लाई, याद है सभी को, सभी लोग पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ा था, है ना? बड़े सवेरे मुर्गा बोला, चिड़ियों ने अपना मुंह खोला, याद है सभी को। हुए बहुत दिन बुढ़िया एक, चलती थी लाठी को टेक, जाना था उसको ससुराल, मटका एक मगाया मोल, चल रहे मटके चमकू वगैरह ये सब। आजकल के बच्चों कहीं कोई कविता सुनाए इस पाठ से, तो क्या सुनाने में समर्थ होते हैं अधिकांशतः? उसका एक कारण है, इनका हम अभ्यास अच्छी तरह से नहीं करा रहे हैं। इनको भी ये मत सोचिए पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसको न बताएं, इसको और गवाइए, गतिविध कराइए, उनको याद हो जाएगा, बहुत आनंद आएगा, है ना? जिसने साया बोली, जिसने तारों को चमकाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया, जिसने रची हमारी काया, काया शरीर। इस तरह से हम जब इंगित करेंगे तो लगेगा कि जिसने रची हमारी काया, जिसने रची हमारी काया, उसी ईश्वर को सदा मनाए, उसी ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। ये छोटी गतिविधि हुई, इसको बहुत अच्छी तरीके से खड़े करके बच्चों के साथ एक झुंड बनवा करके चला करके कई प्रकार से, देखिए जो गतिविधियां हैं ना, गतिविधियां कोई मानक नहीं है कि इसी तरह से गतिविधियां कराई जाए, उसको आप कई प्रकार से करा सकते हैं। अब थोड़ा सा आनंद आया, तो इस तरह से जब गवाएंगे बच्चों के साथ खेलेंगे, तो खेला नहीं है कि हम जो है तो निरर्थक खेल रहे हैं, चलो बच्चों इस तरह से हम कविता गाते हैं और इस तरह से आनंद लेते हैं, है ना? अब उनको आनंद नहीं आ रहा है तो जिसने सूरज चांद बनाया, डांस भी करिए, बच्चे डांस करेंगे, है ना? कभी मैं डांस करता हूं, करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा गा सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं, लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम कुर्सी पर बैठ करके कक्षा एक दो पढ़ाने के लिए सोचे और सोचे कि हमारे बच्चे विद्वान हो जाए, कि संभव नहीं है। आपको खड़े होकर के और बच्चों को भी खड़े करके आनंद लीजिए, दौड़िए वहां पर, चलिए फिरिए, खुदकिए, उसको बोलते खुदकना, चिड़ियों जैसे है चहकना। प्राइमरी की कक्षाओं से शोर नहीं आ रहा है तो कक्षा नहीं है। हम अवलोकन करने जाते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, शांति छाई रहती है, आवाज ही नहीं आ रही, तो ऐसा लगता है कि अवकक्षा बच्चे हैं, इसलिए कि हम कहीं कह दिए होंगे कि मैं कुछ काम कर रहा हूं, तुम लोग शांत रहो। हमारी भी कुछ परेशानियां होती हैं लिखने पढ़ने की, हम सुविधा चाहते हैं। तो बच्चों के कक्षा से शोर नहीं आ रहा है, उनको इनकी नैसर्गिक प्रतिभा है, वो तो जब तक बोलेंगे नहीं, चहचहाहट नहीं होगी, चिल्लाएंगे नहीं, पढ़ते पढ़ते पीछे वाले की जब तक चोटी भी टच करेंगे, है ना? मैं रामलीला देखने जाता था टोपी लगा करके, उस समय अच्छी तरह याद है, तो मेरी टोपी उठा करके फेंकते थे और पता नहीं कितने लोग उसको ऊपर उछालते हुए खेलते रहते थे, तो एक आध घंटे बाद मेरे पास वापस आती थी। तो ये तो उनकी कला है, ये तो होगी, उस पर हम ये रोक लगाएंगे तो उनके विकास को अवरुद्ध कर रहे हैं। हाँ, कोई गलत आदत न सीखे, हमारा ये अवलोकन रहे कि उनको चोट न लगे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अभद्र भाषा का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं। भाषा के विकास में विभिन्न परिवेश से बच्चे आ रहे, अलग अलग घरों से,
किसी एक घर से ऐसा भी बच्चा आया होगा कि उसके घर में ऐसा भी वातावरण हो कि अभद्र भाषाओं का प्रयोग करता है, उसके परिवेश में हो सकता है होता हो, और वो बच्चा सीखा हो आकर के कहीं ऐसा ना हो कि पूरे बच्चों को सिखा दे। इसकी जिम्मेदारी हम सभी शिक्षकों पर है ना, कि वह अपनी भाषा में सिखाए और मेरी भाषा सीख ले और अपनी भाषा भूल जाए। ठीक है, कहने के तात्पर्य यह है।